महू के पास जाना पाओ पर अध्यात्म केंद्र विकसित होगा। अध्यात्म केंद्र के लिए पर्यटन मंत्री व अधिकारी महू पहुंचे व डाक बंगले पर चर्चा की। भगवान परशुराम की जन्म स्थली जनापाव पर अध्यात्म केंद्र को विकसित किया जाएगा। इसको लेकर पर्यटन व अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर व ग्रामीण विकास एवं धर्मस्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने स्थानीय डाक बंगला पर कलेक्टर मनीष सिंह, एसडीएम अभिलाष मिश्रा सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद यहाँ से मंत्री ठाकुर सहित सभी अधिकारी भगवान परशुराम की जन्मस्थली जनापाव पहुंचे, जहां पर निर्माण कार्य कैसा होगा इसका जायजा लिया। जनापाव में करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से ध्यान कुटीर, रिसर्च सेंटर, गुरुकुल, बॉटनिकल रिसर्च सेंटर, गौशाला, नक्षत्र वाटिका आदि का निर्माण कराने की योजना है। महू से अंजित मोनुबाथम की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि कोविड-19 के इस चुनौतीपूर्ण दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात के लिए चिंतित हैं, इसलिए आध्यात्मिक पर्यटन को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश में जाना पाओ भगवान परशुराम की जन्मस्थली को चुना है। माननीय प्रमुख सचिव महोदय, उनके जीवन की शुरुआत नौकरी की यहाँ से हुई, उनका था लगाव आध्यात्म के प्रति है, उनकी एक पुस्तक भी इस विषय को लेके प्रकाशित हो चुकी है। तो मैंने यही चिंता व्यक्त की कि यदि आप हैं तो पूरी क्षमता के साथ आइए, आप और हम मिलके महू को ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को नहीं, पूरे देश को एक अनूठा उपहार स्पिरिचुअल टूरिज्म के रूप में जाना पाओ पे निर्माण करके। आज बैठक हुई तो इसमें क्या डिसीजन हुआ? इस बैठक में जो महत्वपूर्ण काम है वो कैसे गतिशीलता पाएं, इस बात को लेकर चर्चा होगी।